तो अगर आप मोबाइल के जरिए बिजली बिल में नंबर चेंज करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। अभी आपको यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पे सर्च कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके बिजली बिल पे मेंशन होगा तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। आपको उस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल के जरिए बिजली बिल में नंबर चेंज करने की एक कंडीशन है कि आपके पास ओल्ड नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस नंबर पर ओटीपी आएगा। अगर आपके पास ओल्ड नंबर नहीं है तो आप मोबाइल के जरिए बिजली बिल में नंबर चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बिजली ऑफिस जाना होगा, वहीं से ही आप नंबर चेंज करा सकते हैं। बट जिनके पास ओल्ड नंबर है उनका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। अकाउंट नंबर आपको बिजली बिल पे मिल जाएगा। बिजली बिल से देख के आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड पता है तो आप पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। बट अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप यहाँ पे यूज ओटीपी एज पासवर्ड, इसके सामने जो ये बॉक्स है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेरे बिजली बिल में अभी कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो अब आपको इस नंबर पर कोड लेने के लिए सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो ओटीपी अभी आपको रिसीव हुआ है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो बस अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड थ्री लाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे माई अकाउंट के सामने प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट के सामने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए और जो नंबर अभी लिंक है इस नंबर को यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब जो नंबर आप लिंक करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है तो अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पे ईमेल आईडी भी एंटर करनी होगी, तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं कोई भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट हमारा नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल में अपडेट हो चुका है।